दोस्तों मैं हूं आपके साथ सोनम। जहां बी टाउन में 2021 में शहनाइयां बजी तो वहीं टीवी के स्टार्स भी एक दूसरे के होकर ही रहे। जी हां, आपके कुछ फेवरेट्स भी हैं इस लिस्ट में। अगर सब अभी बता दूंगी तो मजा किरकिरा नहीं हो जाएगा, तो जल्दी से दिखाती हूँ ये वीडियो। साल 2021 में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में खूब शहनाइयां बजी। स्टार्स ने दे दनादन शादियां की, तो चलिए देर किस बात की है, बात करते हैं टीवी के उन सितारों की जिन्होंने इस साल लिए हैं सात फेरे। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं दिशा परमार और राहुल वैद्या की। ये दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इन दोनों ने इसी साल 2021 के जुलाई के महीने में एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए। इन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। दोनों अपनी शादी में बेहद जच रहे थे। यही नहीं, इस साल की शुरुआत से ही अंकिता लोखंडे की शादी चर्चा में बनी हुई थी। अंकिता और विक्की लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, कोर्टशिप पीरियड को एंजॉय कर रहे थे और अब फाइनली ये दोनों रॉयल वेडिंग करते नजर आए हैं। इन दोनों ने 14 दिसंबर को मुंबई में अपनी ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज की। इन दोनों की शादी में गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया, लेकिन इन दोनों की जो शादी थी वो पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है। इन दोनों ने रॉयल वेडिंग की है और यहाँ तक कि अंकिता अपनी शादी में गोल्डन कलर के लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वही ये साल सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्टार नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के लिए भी बेहद खास रहा, क्योंकि इस साल में इन दोनों की भी शादी हो गई है। इन दोनों ने 30 नवंबर 2021 को सात फेरे लिए। इन दोनों की शादी उज्जैन में हुई, लेकिन इन दोनों ने मुंबई में दिया ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, जहां पर टीवी सितारों के साथ साथ रेखा जी ने भी की शिरकत। वैसे देखा जाए तो कुंडली भाग्य की प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या को भला कैसे भूला जा सकता है। वो इस साल की मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड्स की लिस्ट में से एक है। जी हाँ, लंबे वक्त से जो श्रद्धा आर्या है वो राहुल के साथ एक रिश्ते में थी। राहुल नागल उनके पति हैं, जो कि पेशे से नेवी कमांडर है। इन दोनों की बेसिकली अरेंज मैरिज हुई है। बताया जाता है कि राहुल और श्रद्धा फैमिली फ्रेंड्स थे, फिर इन दोनों के बीच में पहले दोस्ती के बाद प्यार परवान चढ़ा। इन दोनों की शादी दिल्ली में हुई, काफी ग्रैंड तरीके से इन दोनों की शादी हुई है। फैंस के साथ साथ इनके रिश्तेदार भी इन दोनों की शादी से बेहद खुश है। यही नहीं, श्रद्धा की शादी के कुछ दिन बाद ही कुंडली भाग्य में नजर आने वाले संजय गगनानी ने भी अपने सर पर सेहरा सजा लिया। संजय ने 28 नवंबर को गर्लफ्रेंड पूनम प्रीत से शादी रचा ली। दोनों ने दिल्ली के एक रॉयल रिजॉर्ट में सात फेरे लिए। इस साल फैंस को झटका तब लगा जब टीवी एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने चुपचाप शादी रचाकर फैंस को सकते में डाल दिया। सायंतनी बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी से शादी कर चुकी हैं। उन्होंने 5 दिसंबर को मंगेतर अनुग्रह संग कोलकाता में सात फेरे लिए। इन दोनों की शादी में कम लोगों को ही बुलाया गया, लेकिन इन दोनों की शादी में ट्रेडिशंस का पूरा ख्याल रखा गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री के सितारों के लिए ये साल काफी जगमग जगमग रहा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। तो देखा किन किन ने दी खुशखबरी, पसंद आई वीडियो? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।